बिलासपुर में शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रशासन की परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करने के विरोध में समस्त छात्राओं ने अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। उन्होंने मांग करते हुए पिछले एक वर्ष से कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते छात्राएं ऋण छोड़कर चली गई हैं। अब इतनी जल्दी फिर से मकान किराए में लेकर पढ़ाई शुरू करने में असमर्थ है। वहीं छात्रावास खोलने की अनुमति कॉलेज प्रबंधन द्वारा नहीं मिलने से पूरे छात्रावास की 120 छात्राएं बेघर हो गई हैं। इसलिए परीक्षा ऑफलाइन देते हुए यदि कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सर हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर हैं, 80% बच्चे हमारे कॉलेज के बाहर हैं, ठीक है, उनके वो आउट ऑफ टाउन रहते हैं, तो उनकी समस्या ये है कि मतलब वो यहाँ आएंगे कहाँ रहेंगे, ठीक है, तो ये कॉलेज वाले सोच नहीं रहे हैं और कॉलेज वाले हमें बता नहीं रहे हैं कि क्या होगा। और वैसे भी पहले हमारा ये जो साल है फाइनल ईयर हमारा कहाँ कंप्लीट हो जाता है मई में, क्योंकि हम सेमेस्टर वाले हैं, ठीक है, तो पहले लेट हो गया कोरोना वायरस के कारण, तो हमारे कॉलेज वाले हमारा कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। हम लोग यह चाहते हैं कि अभी हम लोग का एग्जाम ऑनलाइन हो, क्योंकि ऑफलाइन हम लोगों ने पढ़ाई ही नहीं की है, तो ऑफलाइन एग्जाम कैसे दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग बाहर से हैं, तो कौन कैसा है ये हम नहीं जानते बाहर से, मतलब हमारे यहाँ जीडीसी में 80% जो स्टूडेंट्स हैं बाहर से हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स कैसे हैं, कहाँ से हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है हम तो नहीं जानते। साथ में बैठेंगे तो हमको भी कोरोना होने का डर है, हमारी जिंदगी के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं।